हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट्स स्कोर हंड्रेड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग चैप्टर uh, टू का सेकेंड लास्ट टॉपिक करने वाले हैं एंड जिसका नाम है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया टूडेज टॉपिक इज हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म uh, क्या होता है और इसकी प्रैक्टिस हमारी कंट्री में बेसिकली प्रैक्टिकली कैसे हो रही है आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी लिटरसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशियंट इसका मतलब क्या हुआ ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोग अपना एक बहुत अच्छा टाइम टेबल तैयार करते हैं कि यार इस बार तो हंड्रेड ऑन हंड्रेड लेके ही रहेंगे राइट बट केवल एक अच्छा सा टाइम टेबल प्रिपेयर करने से करने मात्र से ही वी कैन नॉट गेट हंड्रेड ऑन हंड्रेड हंड्रेड ऑन हंड्रेड पाने के लिए क्या करना होता है कि एक अच्छा सा टाइम टेबल तो होना ही चाहिए उसके साथ ही साथ उस टाइम टेबल का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए राइट न गेट हंड्रेड ऑन हंड्रेड राइट बेसिकली फुल मार्क्स पाने के लिए ये दोनों चीजें करनी होती उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में सक्सेसफुल हो तो उसको उसके लिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड लॉज बना देने से काम नहीं चलता उसके लिए रूल्स एंड लॉज बनाना कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड लॉज बना uh, मेंशन होना वो तो ओनली वन एस्पेक्ट हो गया दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वो जो रूल्स एंड लॉज है प्रैक्टिकली उनको प्रैक्टिस में हम कितना प्रोविजन तो कि है फेडरलिज्म के उसको हम प्रैक्टिकली हमारी कंट्री में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है अस सी राइट सो इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इस सेंटेंस से ही हमें पता चलता है कि फेडरलिजम हैज बीन अ सक्सेस इन आर कंट्री राइट इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसा कि हम लोग जानते हैं फेडरलिज्म क्या है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग को याद रखिए फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिट्वीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टिट्यूएंट यूनिट्स विच इज स्टेट गवर्नमेंट बड़ा सिंपल है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दट ऑल राइट आइए देखते हैं द रियल सक्सेस ऑफ फेडरिजम इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाट डू वी मीन बाई नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बेसिकली नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि हम फेडरलिज्म को एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो आइए देखते हैं इसे सी दिस इंश दिस मीन्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को हम कैसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं इसमें तीन चीजें हैं स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर और ये डिवीजन ऑफ पावर हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर वन में मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है केवल थ्री ऑर्गन्स अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं होता ये अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप भी होता है राइट थर्ड नंबर पे है डिफरेंट सोशल ग्रुप पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स किसके बेसिस पे हो सकते हैं रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं राइट right? तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं सो स्पिरिट ऑफ फेटरिज्म क्या है कि पावर का डिविजन जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं इन अ कंट्री उनके साथ भी किया जाना चाहिए जैसे बेल्जियम में इसीलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फ्रेंच डच एंड जर्मन राइट ये तीन लैंग्वेज स्पीकिंग लोग अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं सो स्पिरिट ऑफ फेडरिज्म हो गया शेयरिंग ऑफ पावर दूसरा है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वट डू वी मीन बाई रेस्पेक्ट फॉर डायवर्सिटी आई एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं श्रीलंका में क्या हुआ श्रीलंका में उन्होंने डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक कानून बनाया एंड उस कानून के जरिए क्या बोला कि सिन्हाली सिन विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे डिसरिगार्डेड तमिल लैंग्वेज कंप्लीटली राइट लेकिन हमारी कंट्री में क्या हुआ हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ हमारी कंट्री के लीडर्स ने डायवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया और इसीलिए कैसे हम कह सकते हैं डायवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया देखते हैं इन तीनों पॉइंट्स को देखिए डायवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया इसीलिए लैंग्वेज पॉलिसी आई लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ केवल हिंदी केवल हिंदी को ही रिकॉग्निशन नहीं मिली है हिंदी के साथ साथ 22 अदर लैंग्वेजेस को भी लेट अस सी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में है इसे आप लोग थोड़ा सा इसे आप लोग याद रखिएगा कि आ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एथ शेड्यूल में ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला हुआ है जब आप लोग इसमें थ्री एक्चुअली इस टॉपिक से थ्री मार्कर मेजरली थ्री मार्कर क्वेश्चंस थ्री मार्कर आएंगे टू मार्कर आएंगे एंड वन मार्कर आएंगे इसमें फाइव मार्कर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अगर आएगी तो स्टेट इस, इस, इस वाले टॉपिक पे आ सकती है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे आ सकती है राइट right, वो हम डिस्कस करते जाएंगे जिस टॉपिक को टेकअप करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक पे या किस पैराग्राफ पे क्या क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पे हम लोग थे रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हमारी कंट्री के लीडर्स ने दिखाई एंड दैट इज वाई श्रीलंका से इतने बड़े साइज में और पॉपुलेशन दोनों में हम लोग इतने बड़े होते हुए भी हमारी कंट्री का हमारी कंट्री आज भी यूनाइटेड है एंड डे बाई डे हम लोग स्ट्रांगर होते जा रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ यूनिटी राइट थर्ड है डिजायर फॉर लिविंग टूगेदर सिंस हमारे लीडर्स ने और आज भी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है यानी आज भी जो गवर्नमेंट है वो डायवर्सिटी को एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करती है एंड इसीलिए मोदी जी बोलते भी हैं सबका साथ सबका विकास राइट right? फिर देखते हैं हम सम मेजर ये थ्री की ये जो थ्री की हैं आप लोग जरूर याद रखिएगा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रेस्पेक्ट फॉर डायवर्सिटी एंड डायवर्स डिजायर फॉर लिविंग टूगेदर बिकेम शेयर आइडियल इन आर कंट्री यानी इन तीनों टॉपिक्स को लेकर सभी लोग एग्री करते हैं सम ऑफ द मेजर वेज पे अटेंशन टू दिसमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है क्वेश्चन आ सकता है वट आर द मेजर वेज या मेन्शन द मेजर वे थ्रू विच डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैिंग्विस्टिक स्टेट्स ज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन अब लिंग्विस्टिक स्टेट में एक चीज नोटेबल है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द वेरी फर्स्ट स्टेट जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट किया गया वो था आंध्र प्रदेश एंड इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री यह भी वन मार्कर में आ सकता है कौन सा स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था विचिस आंध्र प्रदेश एंड कब किया गया था नाइनटीन फिफ्टी थ्री आप लोग इसे देख लीजिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड में हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट वाला जो टॉपिक है हम उस पर फोकस करेंगे एंड इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं बिफोर बी स्टार्ट द टॉपिक इस पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है लिंग्विस्टिक स्टेट पे हाउ हैज इस तरीके से आएगा एक्सप्लेन हाउ हैज क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स ज मेड फेडरलिजम इन इंडिया स्ट्रॉन्ग यह थ्री मार्क क्वेश्चन हो सकता है तो आइए देखते हैं द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फर्स्ट फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री ये फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट क्यों बोल रहा है क्योंकि आ, आप लोग जानते ही है कि हमारी कंट्री का डिवीजन जो हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक डर चाहे लीडर्स हो चाहे ऑर्डर मैन या वुमन हो एक डर तो कहीं ना कहीं रहता कि यार कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी कंट्री का डिवीजन हो गया ईस्ट पाकिस्तान बन गया वेस्ट पाकिस्तान बन गया बेसिकली पाकिस्तान बन गया तो दिमाग में कहीं ना कहीं डर तो था ही बट फिर भी उन्होंने रिस्क लिया आइए देखते हैं कैसे हुआ यह सब इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वेन वेन आर कंट्री गॉड फीडर में नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड आज तो हमें uh, बहुत ही सरप्राइज uh, होगा कि हमारे लीडर्स ने डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने कितनी है, की कितनी कोशिशें की हैं आइए देखते हैं मेनी ओल्ड स्टेट है बाहर नहीं चला गया ओल्ड स्टेट एरिया वाइज जियोग्राफिकली जहां था वहीं पे है इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे वैनिस्ट हो गया है इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ये आप लोग देखिए ये है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध अंडर ब्रिटिश रिजिम इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध राइट और ये आज का उत्तर प्रदेश है इसको हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं राइट right? और दूसरा आप देख लीजिए ये जो यहां पे, ये देखिए यूनाइटेड प्रोविंस आपका हमारा आज का उत्तर प्रदेश है दूसरा हम लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है पहले का बॉम्बे स्टेट ये बॉम्बे स्टेट था ये बॉम्बे स्टेट था एंड बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट करके जहां पे गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको गुजरात बना दिया और जहां पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको महाराष्ट्र बना दिया राइट तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कि ओल्ड स्टेट्स है तो ओल्ड स्टेट कौन सा था बॉम्बे uh, स्टेट uh, uh, था और न्यू स्टेट कौन सा हो गया गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड उसके बाद देखिए एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स कुछ स्टेट्स की एरियाज भी बदली हैं बाउंड्रीज भी बदली कुछ एंड कुछ नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड अब कौन कौन सी स्टेट का नाम चेंज हुआ है आइए देखते हैं सबसे पहले तो आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो ये रिसेंट वन है रिसेंट वन पहले देख लेते हैं रिसेंट वन में जैसे कि पहले उत्तरांचल था जो उत्तर प्रदेश को बायोफर्केट करके बनाया गया उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बनाया गया था फिर उत्तरांचल से उसको उत्तराखंड कर दिया गया है और एक और स्टेट है जो आप लोग जानते हैं यह हमारा ओडिशा जिसको हम आज ओडिशा बोलते हैं पहले ये ओडिशा था ये ओडिशा था ओ आर आई एस ओडिशा नाउ इट हैव इट हैज बिकम ओडीशा राइट तो एक तो यही हो गया ये तो नए वाले में हो गए जो पुराने स्टेट्स थे उनको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे देखते हैं स्टेट ऑफ कोचीन एंड ट्रेवन कोर इट हैज बिकम नाउ वेट अ मिनट इट हैज बिकम नाउ स्टेट ऑफ कोचीन एंड ट्रेवन हैज़ बिकम केरला दूसरा हम लोग देख सकते हैं हैदराबाद हैदराबाद हैज़ बिकम आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद से पहले आंध्र प्रदेश बना और आंध्र प्रदेश को बायफरकेट करके आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना भी बना है राइट उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट ऑफ मैसूर से क्या बना आज का कर्नाटका आज का कर्नाटका बना स्टेट ऑफ मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास से अब क्या बन गया है तमिलनाडु इसी तरीके से आ, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ढेर सारे राइट सो मेरी ओल्ड स्टेट्स वी हैव ऑलरेडी डन दिस ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट हो गया एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड ये हम लोगों ने कर लिया नाउ फोर्टी सेवन द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंड वायडर टू क्रिएट न्यू स्टेट उसके बाद देखते हैं क्या है न्यू स्टेट बनाया ही क्यों गया वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है वाई वर न्यू स्टेट्स वर फॉर्मड बड़ा सिंपल है दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बेस्ट एग्जाम्पल इसका है गुजरात एंड महाराष्ट्र एग्जाम्पल तो और भी हैं, बट गुजरात एंड महाराष्ट्र राइट right? जहां पे बॉम्बे स्टेट में जहां पे गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थी गुजरात स्टेट बना दिया और जहां पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको महाराष्ट्र बना दिया राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट स्टिक स्टेट ओनली इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यह नोटेबल पॉइंट है प्लीज नोट इट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमारे हमारे इंडिया में जो स्टेट्स बने हैं हमेशा वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही नहीं बने हैं कभी कभी वो एथनिसिटी जोग्राफी एंड कल्चर डिफरेंट होने की वजह से भी स्टेट्स का क्रिएशन किया गया है ताकि सेम कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले अब जैसे हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के यूपी जिसे आप लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश के जितने हिली एरियाज थे उनको लेकर के उत्तरांचल बना दिया विच इज गुड क्योंकि वो जोग्राफिकली बिल्कुल अलग है उत्तर प्रदेश इज मोस्टली प्लेन्स राइट आइए देखते हैं कौन कौन सा है तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द स्टेट्स नेम द टू नेम टू स्टेट्स विच वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर देशिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी एंड जोग्रफी तो याद रखना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आएगा तो वो भी हम लोग कर सके ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमारा सबसे पहला कौन सा स्टेट था आंध्र प्रदेश है ना ठीक है तो हम लेते हैं सो इंक्लूड लाइक नागालैंड याद रखिए तीन टर्म याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी एंड जोग्राफी तो नागालैंड है जैसे आप लोगों ने दूसरा डिस्कस किया उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जितने हिल एरियाज थे उनको निकाल करके बेसिकली उनको कलेक्टिवली क्या बना दिया उत्तराखंड बना दिया एंड झारखंड अब झारखंड है तो था किसका पार्ट था बिहार का पार्ट था बट ये जोग्रफिकली एंड कल्चरली और एथनिसिटी थोड़ी सी अलग रही होगी डिफरेंट रही होगी तभी उसको झारखंड बना दिया बिहार से बायफर्केट करके नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है इंडिया था इंडिया गोट डिवाइडेड इन टू यू you नो know, एधर ईस्ट पाकिस्तान बन गया उधर वेस्ट पाकिस्तान बन गया तो कहीं कहीं डर तो होता ही है ना तो लीडर्स को लगा यार कहीं अब फर्दर इंडिया का डिवीजन ना हो जाए वो लोग डर रहे थे राइट बट ये डर जो था वो बेसलेस प्रूव हुआ कैसे आइए देखते हैं इस पे भी क्वेश्चन बनेगा अच्छा इसीलिए इसी फियर इसी की वजह से द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं भाई अब हम फर्दर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स नहीं बना सकते क्योंकि लीडर्स अफ्रेड ऑफ कि यार कहीं इंडिया का फर्दर डिवीजन ना हो जाए लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ आ, जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करके उसकी वजह से हमारा फायदा ही हुआ है क्या फायदा हुआ इस पर क्वेश्चन भी बनेगा आइए देखते हैं बट द एक्सपीरियंस है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड इट हैज ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन इजियर सो क्वेश्चन आ सकता है कि वाट आर द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो स्टेट का क्रिएशन हुआ है उससे कौन से दो फायदे हुए दो फायदे कौन से हुए पहला क्योंकि तो अब जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट था या मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट था यूपी से उत्तरांचल बनाया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया या बिहार से झारखंड बनाया तो ये लार्ज स्टेट्स थे जब न्यू स्टेट्स बन गए तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कम हो गई अब जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो पब्लिक को बेटर फैसिलिटीज दे सकती है पहले वर्कलोड ज्यादा होगा ज्यादा हुआ करता होगा क्योंकि पूरे स्टेट को देखो जैसे यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट है अब यूपी से निकाल के उत्तराखंड बना दिया तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट मशीनरी है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर कम तो हुआ ही होगा राइट तो इस तरीके से हम देखते हैं अच्छा ये तो हम समझ गए कि इट हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर क्लियर हो गया आप लोगों को समझ में आ गया अब हाउ हैज इट लेड टू आर कंट्री बींग मोर यूनाइटेड क्योंकि होता क्या कि जब जो एक, जो एक पर्टिकुलर स्टेट की जो डिमांड है उसको फुलफिल की जा रही है तो पीपल आर हैप्पी यार हमारी बात को सुना जा रहा है राइट right? पहले क्या था अब पहले एक एग्जाम्पल समझते थे पहले मान लीजिए किसी कोई मसूरी में रह रहा है और उसको हाई कोर्ट जाना है इलाहाबाद दौड़ना पड़ता था अब उसके लिए आसान हो गया ना हाई कोर्ट अब उसके उत्तरांचल में ही है देहरादून में ही हाई कोर्ट है ना तो ये इजी इस तरीके से इजी हो जाता है बार बार स्टेट की कैपिटल लखनऊ दौड़ के जाना पड़ता था अब उत्तरांचल के लोगों के लिए नजदीक हो गया इसी तरह से झारखंड के लोगों के लिए नजदीक हो गया एंड छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सही हो गया है ना इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया और लोगों की लाइफ में जो फैसिलिटीज थी वो बढ़ गई यानी लोगों को कम परेशान होना पड़ रहा है ना अब अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा इस पर क्वेश्चन यही बनेगा हाउ हैज लैंग्वेज पॉलिसी एक्स्टेंड इन द फेडरिज्म इन इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज पॉलिसी का तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है इसने फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे स्ट्रांग बनाया है इस पर भी क्वेश्चन आएगा हाउ हैज लैंग्वेज पॉलिसी स्ट्रेंडेड द फेडरलिज्म इन आर कंट्री एंड वन मोर थिंग एंड वी वर एबल टू अवॉइड द श्रीलंका लाइक सचुएशन लैंग्वेज का ही तो इश्यू था सिन्हा तमिल है ना बट हम लोगों ने इसे सक्सेसफुली हैंडल किया है आइए देखते हैं सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ इसको नोट करिएगा इसमें कंफ्यूजन होती है स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज आर टू टर्म्स एक तो है नेशनल लैंग्वेज और दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज तो दोनों टर्म्स को आप लोग ध्यान दीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया ही नहीं हिंदी को क्या किस लैंग्वेज का दर्ज है ऑफिसियल लैंग्वेज यानी जो ऑफिशियल काम काज होंगे जो भी गवर्नमेंट की लैंग्वेज होगी ऑफिशियल वो क्या होगी हिंदी होगी <laughs> आइए देखते हैं टू एनी वन लैंग्वेज हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ध्यान दीजिए आप लोग ये थे नेशनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी को किसी लैंग्वेज को नहीं दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जितने भी सरकारी कामकाज होंगे ऑफिशियल कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे बट एट यहीं पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं श्रीलंका श्रीलंका में क्या किया श्रीलंका में उन्होंने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के थ्रू सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर किया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस ईयर में श्रीलंका ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था श्रीलंका में आप लोगों के आंसर का मुझे इंतजार रहेगा चले आगे बढ़ते हैं हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट ओनली अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ

देर आर एनसीआरटी में ट्वेंटी टू दिया होगा पुराने वाली में आप लोग इसे ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी वन दिया होगा आप लोग इसे ट्वेंटी टू कर लीजिए देर आर ट्वेंटी टू अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अब देखिए अब 22 अगर केवल हिंदी को ही इम्पोज करते थे जैसा कि सिन्हाला लीडर ने सिन्हा लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था तमिल तमिल पीपल के ऊपर तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हमारे यहाँ भी शायद उस तरह की लेकिन हमारे लीडर्स बहुत ही समझदार थे और आज के लीडर्स भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई डाइवर्सिटी है और बट डाइवर्सिटी होने के साथ साथ उसको उसको यू नो रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ अब किसी एक लैंग्वेज को प्रोमिनेंस नहीं दी गई देर आर ट्वेंटी टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कोई केरला में पर्सन रहता है उसे हिंदी तो आती नहीं राइट right? तो जो ट्वेंटी टू मान लीजिए कोई मणिपुर में रहता है या अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो वो वो उसको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में तो मिले मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में तो होगा ही होगा वहां की लोकल लैंग्वेज में होगा अभी आप लोग टेंथ में हैं जब आप लोग ट्वेल्थ में अपियर होने वाले होंगे तो आप लोग एन का एग्जाम देंगे या आप लोग ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप लोग सीरियस का एग्जाम देंगे या ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप लोग आई का एग्जाम देंगे बेसिकली यूपीएससी का एग्जाम देंगे आई ऑफिसर बनने के लिए राइट तो आप किसी भी स्टेट में हो आपको क्वेश्चन पेपर आपके स्टेट की लैंग्वेज में ही मिलेगा और इंग्लिश में भी रहेगा तो इट इज योर चॉइस कि आप आ, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर

रेलवे का जो हमें टिकट मिलता है आप उसे कभी ध्यान से देखिए अगर आप यूपी में हैं तो आपको हिंदी जो प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए या रेलवे का टिकट लीजिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा लेकिन वही आप केरला में होंगे तो इंग्लिश और मलयालम दोनों में होगा कर्नाटका में होंगे तो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में होगा महाराष्ट्र में होंगे तो आपको मराठी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा तो ये रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी ही तो है नॉट ओनली टिकट आप रेलवे स्टेशन के नाम भी देख लीजिए आपको हिंदी में भी मिलेगा इंग्लिश में भी मिलेगा और स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है अब जैसे उड़ीसा में है तो आपको उड़िया लैंग्वेज में भी रेलवे स्टेशन के नाम देखने को मिलेंगे इज इट ग्रेट थिंग येस इट इज ग्रेट तो हो गया हमारा स्टेट्स टू हैव देयर ओन देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस इट मैं कुछ समय के लिए मुंबई में रहा हूं और मैंने वहां देखा था ड्राइविंग लाइसेंस मुझे बनवाना था तो नॉट ओनली इन इंग्लिश दे वर इन मराठी ऑल्सो सो दैट जो लोकल पीपल है से समझ सकें अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आर कंट्री एडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है देखिए हमारे यहां रूल्स और रेगुलेशन की वैल्यू तो है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन से ज्यादा वैल्यू है डाइवर्सिटी की इसीलिए इसीलिए देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल टू स्टॉप इन नाइनटीन प्लीज नोट इट डाउन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का यूज 1965 तक ही होना था उसके बाद इंग्लिश को हटा दिया जाना था लेकिन साउथ में मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं तो अपने लोगों की बेसिकली डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आज भी कंटिन्यू uh, किया जा रहा है यह अच्छी बात है अपने आप में इट इट शोज द रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है ना इस डेट को आप लोग जरूर याद करिए आता है वन मार्कर में हाउ एवर मेनी मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमिलनाडु <laughs> इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म तमिलनाडु में इस लैंग्वेज इश्यू को लेकर के तो एक जन की जान भी चली गई थी वो काफी मशहूर लीडर हैं टेंथ में नहीं दिया है इलेवेंथ और ट्वेल्थ की बात है इसलिए उनका नाम जाना जरूरी नहीं है आगे बढ़ते हम लोग द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रींग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियर पर्पज सो बेसिकली आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाए आपको हिंदी भी मिलेगी आपको इंग्लिश भी मिलेगी भारत सरकार की बात कर रहा हूं हिंदी भी मिलेगी इंग्लिश भी मिलेगी और वहां की लोकल लैंग्वेज भी मिलेगी राइट right? लेकिन डायवर्सिटी को एकोमोडेट करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है जैसे हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के नाम लिए या आप रेलवे का टिकट निकालिए तो आप उसमें देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टिकट अगर, अगर आप रेलवे का लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें आ, ओडिशा चलो तो हम लोग तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेते हैं या आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल एक्षा लेते हैं तो जो रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट होगा वो इंग्लिश में भी होगा और वहां की जो तेलुगु में भी होगा जो लोकल लैंग्वेज है नेक्स्ट हम देखते हैं मेरी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट एक्चुअली तब कंट्री को जब आजादी मिली थी तो वेरी फ्यू पीपल कुड स्पीक इंग्लिश अब तो इंग्लिश बहुत जरूरी है एंड पीपल आर इन इंक्रीजिंगली ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो ठीक है वो अच्छी उतनी बड़ी चीज नहीं रह नाउ इट इज बिकम यू नो डे टू डे थिंग बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है इंग्लिश <laughs> <English> बोलना लिखना सो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट अगर हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी इज बींग इम्पोज अपॉन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल आर टोटली फ्री टू यूज देयर ओन मदर टंग इसीलिए हर स्टेट की ओन ऑफिशियल लैंग्वेज है नेक्स्ट प्वाइंट देखते हैं हम लोग प्रमोशन डजेंट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाई इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प आयर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन श्रीलंका है इजेंट इट ग्रेट थिंग इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग कि हमारे लीडर्स ने रूल्स एंड लॉस से ऊपर उठ करके डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया और यही रीजन है कि हम लोग इतने डायवर्स होते हुए भी इतनी डाइवर्सिटी के साथ साथ इतने हम लोग लार्ज एक इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज तो ये हमारे लीडर्स की और हम लोगों की डायवर्सिटी की तरफ टूवर्ड्स डाइवर्सिटी एक रेस्पेक्ट ही तो है कि हम लोग सारे मिलजुल करके रह रहे हैं कभी कभार थोड़ी बहुत इश्यूज होते हैं बट हम उसे मिल करके सॉल्व कर लेते हैं आज के सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच